हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? आज हम खेलेंगे एक मजेदार सामान्य ज्ञान वाला खेल और सीखेंगे कुछ नई बातें। तो क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी हॉकी। डी कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। आपका दूसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी आम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बरगद। आपका तीसरा सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गंगा, बी जमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। आपका चौथा सवाल है, भारत के नेशनल रेप्टाइल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पाइथन, बी किंग कोबरा, सी अजगर, डी एनाकोंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किंग कोबरा। आपका पांचवा सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपका छठा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका, डी अंटार्कटिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एशिया। आपका सातवां सवाल है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए चार महाद्वीप, बी पांच महाद्वीप, सी छह महाद्वीप, डी सात महाद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सात महाद्वीप। आपका आठवां सवाल है, मुख्य रंगों के नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, ए हरा काला और सफेद, बी लाल पीला और नीला, सी भूरा गुलाबी और बैगनी, डी नारंगी आसमानी और मेहरून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल पीला और नीला। आपका नौवां सवाल है, साल का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फरवरी। आपका दसवां सवाल है, बर्फ से बने घर का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं, ए आइस होम, बी बर्फी, सी इग्लू, डी कोल्ड हाउस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इग्लू। आपका ग्यारहवां सवाल है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सफेद, बी हरा, सी नीला, डी पीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सफेद। आपका बारहवां सवाल है, सबसे बड़े स्तनपायी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्लू व्हेल, बी लोमड़ी, सी तेंदुआ, डी चमगादड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्लू वे। आपका तेरवां सवाल है, सूरज कहाँ से उगता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पश्चिम, बी उत्तर, सी पूर्व, डी दक्षिण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्व। आपका चौदहवां सवाल है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए चार, बी पांच, सी छह, डी तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीन। आपका पंद्रहवां सवाल है, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी मंगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहस्पति। आपका सोलहवां सवाल है,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं: ए लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई, डी राजीव गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 17वां सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी शीला दीक्षित, डी सोनिया गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। आपका 18वां सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं: ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के रक्षा मंत्री, डी भारत के विदेश मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। आपका 19वां सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए 28 राज्य, बी 29 राज्य, सी 30 राज्य, डी 26 राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 28 राज्य। आपका 20वां सवाल है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए 4 केंद्र शासित प्रदेश, बी 5 केंद्र शासित प्रदेश, सी 7 केंद्र शासित प्रदेश, डी 8 केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानते हो या जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम इसका जवाब साझा करेंगे। हमारी मजेदार जानकारी की दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।